बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अस पेरेंट्स। आज लेक्चर नंबर 21 और ऐसे सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। हम ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स के एंड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। दो तीन लेक्चर्स में हम बेसिक जो टेक्निक्स हैं टू राइट ऐसे स्ट्रक्चर और दो तीन डेमोंस्ट्रेशन के साथ ये एक कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। इसमें कोशिश ये की गई है कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जाए और आपको आसान जबान में समझाया जाए मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में जो ऐसे के हवाले से हैं। आज हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करेंगे। थीसिस स्टेटमेंट के बारे में ये कुछ चीदा चीदा बातें हैं और हर एक बात बहुत अहम है कि ये एक या दो सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होती है। एक सेंटेंस पे भी हो सकती है, दो पे भी हो सकती है। अगर एक पे होगी तो एक बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है इसका। बेसिकली आसान जबान में थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपकी वो स्टेटमेंट जिसमें आप ये बताते हैं एग्जामिनर को कि आप इस ऐसे में क्या करने जा रहे हैं, आप इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि एक बंदा स्पीच शुरू करता है और स्पीच में वो ये कहता है तमीद में कि मैं अपनी इस स्पीच में इस टॉपिक को टच करूंगा, तो इसका फायदा ये होता है कि आपका एग्जामिनर समझ जाता है कि आप इसमें करने क्या लगे हैं। इसकी जो डेफिनेशन है उसमें आया जाए तो पॉइंट ये बनता है कि ये आपके ऐसे की एक समरी है, पूरा ऐसे का एक क्रक्स होती है। इसमें आपने पूरे ऐसे को एक या दो सेंटेंसेस में बंद करना होता है, जैसे दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। अच्छा, ये चूंकि ऐसे के इंट्रोडक्शन के एंड पे होती है, ये इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का पार्ट होती है, यानी सेपरेट ये नहीं लिखी जाती। ये इंट्रोडक्शन के आखिरी सेंटेंस या आखिरी एक या दो सेंटेंसेस में आती है, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का पार्ट होती है, सेपरेट पैराग्राफ नहीं होती। और ये एक किस्म का ब्रिज होती है बिटवीन द इंट्रोडक्शन और एंड योर बॉडी, यानी उसके दरमियान एक किस्म का ब्रिज होती है। इसको फिर कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, क्योंकि इसको जितना ये कंप्रीहेंसिव होगी उतना ज़्यादा आपको स्कोप प्रोवाइड करेगी कि आप ऐसे राइटिंग के कंटेंट को उतना एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी आप थीसिस स्टेटमेंट जो लिखते हैं आप उससे फिर ऐसे में उससे हट नहीं सकते। मसलन थीसिस में अगर आपने ये लिख दिया कि यू विल डिस्कस द कॉजेस एंड रिपरकशंस ऑफ दिस थिंग एनी प्रॉब्लम, तो आपने फिर उन्हीं चीज़ों पे ही रहना होता है, आप उससे हट नहीं सकते। तो लिहाजा जितनी ये टॉपिक के हिसाब से जितनी कंप्रीहेंसिव बनाएंगे इसमें आपने तमाम एस्पेक्ट जो हैं कवर करने, ताकि वो आप उसी के ऊपर रहें, वरना फिर आप इसी के पाबंद हो जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पाबंद कर देती है। तो जो आप जिस चीज़ ने आपको पाबंद करना है उसको थोड़ा सा इतना एक अपने लिए स्पेस उसमें आपने खुद ही क्रिएट करनी है। ये एक किस्म का आपके पूरे ऐसे का, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि ब्रीफ होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, ये आइडेंटिफाई करना होता है, और आपकी अप्रोच क्या है, यानी दो चीज़ें इसमें होनी चाहिए किसी न किसी शक्ल में। अच्छा, फिर थीसिस स्टेटमेंट की जो नेचर है वो आपकी नेचर ऑफ टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करती है कि टॉपिक की नेचर क्या है। टॉपिक की नेचर के हिसाब से भी आपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। मसलन एक टॉपिक है, ये 2009 का गालबन ऐसे था, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब इसमें हमने बात तो फ्यूचर की करनी है, लेकिन इसमें मैंने ये सोचा कि मैं इसकी जो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री है उसको भी लिंक करूं, और उसको मैंने ऐसे लिंक किया कि मैंने सोचा कि चूंकि माजी में जो डेमोक्रेसी फेल हुई, मिलिट्री इंटरवेंशन हुई और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए,
उनकी तमाम काजेज को भी मैं लिंक करूंगा। तो मैंने सोचा कि उनसे हम लेसन सीख सकते हैं, उनको एनालाइज करना हिस्ट्री को जरूरी है टू बिल्ड ए ब्राइट फ्यूचर फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो अब मैंने चूंकि काजेज को भी इसमें ले आना था ताकि हम किसी चीज के पास्ट को जाने बगैर हम उसके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर हम किसी चीज के फ्यूचर की प्रोडिक्शन करते हैं तो फ्यूचर फ्यूचर इज बिल्ड अपॉन द पास्ट, तो इसलिए हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। लेट से एक स्टूडेंट है, तो हम उसके बारे में जब ये प्रोडिक्शन करते हैं कि ये स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेगा, तो उसके पीछे उसका पास्ट देखते हैं कि इसका पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो इसी हिसाब से हम उसके फ्यूचर को प्रोडिक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इस हिसाब से थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इस तरह हो सकती है कि दिस एसे वुड थ्रो लाइट ऑन दिस काजेज ऑफ फेलियर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इन द पास्ट, टेकिंग देम एज लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड यूजिंग दीज लेसन्स टू बिल्ड ए बेटर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड देन इट वुड एक्सप्लेन द बेटर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस। इसमें मैंने काजेज फिर बेटर प्रॉस्पेक्ट की रीजंस एक्सप्लेन कर सकता हूँ और आखिर में वे फॉरवर्ड भी बताना है हमने कि ये चीज़ें मजीद भी ज़रूरी हैं। तो ये तीन किस्म की मेजर आउटलाइन बनेगी कि वाई इट फेल्ड इन द पास्ट, फिर आ जाएगा कि रीजंस फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट या होप्स क्या हैं फॉर बेटर फ्यूचर, व्हाट आर द होप्स फॉर बेटर फ्यूचर, व्हाट यू से, इसमें एक आप आएगा कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी आपके ख्याल में क्या है, और फिर उसमें आपने आखिर में अपनी रिकमेंडेशन देनी है फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इसमें आप फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी खुद ही डिसाइड कर दें, क्लियर कट लिख दें कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, उसमें आप रीजन दे दें और फिर आप उसमें आखिर में और भी वे फॉरवर्ड के लिए रिकमेंडेशन दे दें। तो ये इसके अलावा हम और मुख्तलिफ इसमें एग्जांपल देखते हैं। ये है 2021 का ऐसे टॉपिक था, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट ए रनिंग स्ट्रीम, अगर आप पानी के बहते हुए धारे पे भी खड़े हैं तो आपने पानी यूज नहीं करना, मीनिंग दियर भाई अगर आपके पास सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है इवन देन इसको वेस्ट ना करें। इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ऐसे बन सकती है, दिस ऐसे वुड थ्रो लाइट ऑन द रीजंस एज टू व्हाई वी शुड नॉट वेस्ट वाटर even if we have plenty of water and further explain the ways through which efficient use of water can be ensured। yani isme humne water scarcity ka issue batayenge kitna pani kam hai duniya mein, fresh water kitna kam hai, is pe humne ek baat bhi ki thi ki ek book ka bhi hawala diya tha pichle lecture mein, lecture number 14 mein, वाटर दी एपिक स्ट्रगल फॉर पावर एंड सिविलाइजेशन, उस तरह की टॉपिक था और उसमें उसको एक जर्नलिस्ट ने लिखा था उस किताब को, उसमें सारा केस बिल्ड किया गया है कि 2021 की जो जो 21st सेंचुरी की वार्स हैं, दे वुड बी फॉट ओवर वाटर, तो पानी की कमी को आपने यहाँ पे बेस बनाना है, उसका डाटा आपके पास होना चाहिए कि कितना पानी कम है, साउथ एशिया में कितना पानी कम है, ओवरऑल वर्ल्ड में। ये एक फिगर था कि दुनिया के टोटल वाटर का 2.5 यानी 2.5% ही पानी सिर्फ जो है वो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लॉक्ड है इन ग्लेशियर्स। तो फिर आगे हमने एक्सप्लेन करना था कि चलें हम पानी को ज़ाया नहीं करते, लेकिन कैसे पानी के एफिशिएंट यूज़ को इंश्योर किया जाए, तो उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल देनी होती हैं। तो इस तरह का आप यानी आउटलाइन के इर्द गिर्द ये घूमती है, बेसिकली यहाँ से आपने आउटलाइन अपनी आउटलाइन जो देखनी है आउटलाइन के मुताबिक ही इस थीसिस स्टेटमेंट को लिखना होता है। थीसिस स्टेटमेंट आपकी आपके आउटलाइन के मुताबिक होनी चाहिए। जैसा कि ये प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसमें आप ये लिखेंगे दिस ऐसे वुड थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एस्टेब्लिश द पॉइंट that despite its numerous disadvantages, globalization has brighter side which takes precedence over its darker side। आपने एक स्टांस ले लिया कि जो ग्लोबलाइजेशन की जो ब्राइटर साइड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा अहम है, ग्लोबलाइजेशन के प्रोज ज़्यादा हैं कॉन्स कम हैं,
आपने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ले लिया एक चीज की, आपने ब्राइटर साइड ज्यादा देखी, उसी को ज्यादा फोकस किया, लेकिन आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करने हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर आखिर में आपने उनको वे किया, उनको एक जब मयर किया तो आपने ये कंक्लूड किया कि इसकी जो ब्राइटर साइड है वो ज्यादा भारी है, ज्यादा वेटेज रखती है। तो ये आपने केस बिल्ड किया है इसके ऊपर, तो आपने एक ओपिनियन भी दे दी और आपने टॉपिक के डार्कर साइड भी बता दिए। तो इसमें आपकी आउटलाइन देखें, इसी यही जो थीसिस स्टेटमेंट है ये आपकी आउटलाइन की तरफ भी इशारा कर रही है। तो बेसिकली आपने अपनी आउटलाइन दे के ही, आप अपनी आउटलाइन ड्रा करते हैं टॉपिक से ड्रा करते हैं आउटलाइन, और आउटलाइन से ही आप एक किस्म का अपने थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। दूसरी एक टिप ये भी थी कि जो आप टॉपिक के की वर्ड हैं वही यूज करते हैं। इसमें आप देखें कि मैंने प्रोज एंड कॉन्स वाले की वर्ड जो हैं उसी को मिलते जुलते वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आपने वही वर्ड यूज किए हैं, की वर्ड जो हैं जो टॉपिक के की वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब है प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, यहाँ से भी मैंने वही की वर्ड उठा के इनको थीसिस स्टेटमेंट बना दी है। दिस एसे वुड थ्रो लाइट ऑन द एडवांटेजेस ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान अलॉन्ग विद द चैलेंजेस कंफ्रंटिंग द इंडस्ट्री एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कैन हेल्प द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान। इसमें हमने जो एडवांटेजेस हैं वो भी बता दिए कि क्या क्या फायदे होंगे, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो तमाम के तमाम अब थीसिस स्टेटमेंट का हिस्सा बन गए हैं। तो हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा वाइड रखा है, इतना इसको आपने फैलाना है कि आपके टॉपिक्स जो रेलेवेंट लिखना चाह रहे हैं वो इसमें कवर कर सके। अगर इसमें मिसाल के तौर पे आप अपॉर्चुनिटीज लिखना भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फिर अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से बनानी है कि वो आपकी आपको स्पेस प्रोवाइड करे टू राइट ऑन दीज टॉपिक्स इन ऑन दीज आउटलाइन। ये देखें, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ, दिस एसे वुड फिक्स द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर इन आवर लाइफ इन इट्स राइट प्लेस एक्सप्लेनिंग हाउ इट इज नीडेड इन द लाइफ ऑफ द रीडर्स एज वेल एज राइटर्स एंड एडिंग सम इंस्टांसेस। लिटरेचर हैज हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। इसमें मैंने तीन चार चीजें बतानी थी कि ये राइटर को रीडर्स की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, राइटर की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है लिटरेचर की, फिर लिटरेचर के आखिर में मैंने मिसालें दी कि लिटरेचर का इम्पैक्ट क्या रहा ह्यूमन सिविलाइजेशन पे, उसकी मिसालें देनी थी। तो मैंने इस हिसाब से इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ड्राफ्ट की थी। अब ये एक 2018 का एक ऐसे था, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, दिस ऐसे वुड थ्रो लाइट ऑन द चेकवर्ड हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान टू एनालाइज द हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी टू डिलीवर एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड देन इट वुड स्टेट होप्स फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान अलॉन्ग विद सम प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन। अब इसमें क्या चीजें हैं, कितना मैंने इसको फैला दिया टॉपिक से रिलेट की पीछे रहा। मसलन इसमें यह है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, तो मैं एक बात ये कहता हूं कि हम उसकी हिस्ट्री देखे बगैर फ्यूचर को नहीं देख सकते। तो हमने थोड़ा सा इसमें उसकी हिस्ट्री को भी देखना है, हिस्ट्री में जाना है कैसे कैसे ये फेल हुई, क्यों ये फेल हुई, फिर इसी कंटेक्स्ट में जो है हम आगे देखेंगे कि ये जिससे पहले फेल हुई है क्या अब भी ये फेल हो सकती है, प्रेजेंट में अभी भी कोई थ्रेट है, कोई हर्डल है, डेमोक्रेसी ने अगर पहले डिलीवर नहीं किया, इसमें हर्डल आई है पहले भी, इसमें बहुत ज्यादा इसमें फेलियर हुआ, क्या अब भी कोई इसमें हर्डल है इन द लाइट ऑफ द हिस्ट्री। फिर हम हर्डल के साथ साथ फिर हम कहेंगे कि हर्डल्स हैं तो उनको कैसे, उनके अंदर फिर ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, वो कौन से होप्स क्या हैं, आखिर में रिकमेंडेशन दे देंगे टू रिमूव दी हर्डल्स और टू मेक दी होप्स मोर प्रोमिनेंट। तो इसमें तीन चार मेजर आउटलाइन बन जाएंगी कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान,
causes of failure of democracy in Pakistan? What are the hurdles confronting democracy? और what are the hopes and what are the recommendations, what is the way forward? तो ये तमाम चारों की चारों major outline जो हैं ये इस topic से आके इसी में शामिल हो जाती हैं, इसी topic को ही use इसको expand करेंगी, इसी topic को explain करेंगी। तो आपने अपनी thesis statement को अच्छा वो इतना एक फैलाना है कि जितना आपको topic इजाज़त दे, ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से उसको फैला दें। आपने थीसिस स्टेटमेंट को जो एक्सपेंड करना है वो टॉपिक की इजाज़त से करना है, यानी टॉपिक अलाउ ही ना कर रहा हो और आप उसको फैलाते जाएं तो उसका भी ख्याल रखना है। तो रेलेवेंस यहाँ पे भी आपने देखनी है। तो हम इससे पहले बॉडी पैराग्राफ को पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारा जो लेक्चर है वो होगा कंक्लूजन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा कंटेंट है ऐसे वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दो तीन लेक्चर में ये एंड हो जाएगा। आप पिछले लेक्चर भी ज़रूर सुने और होपफुली आपको इन लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। अपना ख्याल रखें।